जैसे टाइम स्किप डिस्टेंस, सबसे पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जब आप एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस के लिए मूव करते हो तब तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली सारा जो खेल है वो आप किस स्पीड से मूव कर रहे हो, किस डिस्टेंस को आप कवर कर रहे हो और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए आपको टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, अब सपोज करो जैसे मुझे 200 किलोमीटर कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना है, अगर मैं 50 किलोमीटर पर आवर चलता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स। सीधा सीधा दिखता है ना कि अगर मैं 50 × 4 करूँगा तो मेरा 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा। और इस 3 डेटा से आपके जो फॉर्मूले हम बचपन से रट्टे मारते आते थे ना वो ड्राइव होते हैं। जैसे अगर आप बोलते हो कि आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस आप क्या बोलते हो, स्पीड इंटू टाइम, मतलब 50 × 4 करोगे यू विल गेट द डिस्टेंस 200 किलोमीटर। अगर आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस आप टाइम से डिवाइड करोगे 4 से तो स्पीड आपकी निकल जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। और वहीं अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस आपका 200 किलोमीटर और स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा आपका 4 आवर्स। तो इसमें है क्या सारा खेल, अगर आपको कोई भी दो डेटा गिवन है तीसरा डेटा आप बड़े इजीली निकाल सकते हो और इसको फॉर्मूले की तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है किसी डिस्टेंस को अगर मुझे कवर करना है 50 किलोमीटर पर आवर में चल रहा हूँ और मुझे 4 घंटा अगर लग रहा है तो वो डिस्टेंस 200 किलोमीटर का होगा। ठीक है, ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है और इसको ना बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आगे चल के ना चैप्टर्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं इनका यूज़ जो है ना बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। तो वहाँ पर कई बार ऐसा आएगा जैसे बीच में मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मैंने वहाँ ऐसा किया कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन द स्पीड। ठीक है, तो वहाँ पर बीच में ऐसा लगता है किसी को जैसे मैंने पता नहीं कौन से जादू का पैतरा चल दिया कि वो समझ नहीं आया ऐसा क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जब मुझे TSD का पता चला तो अब इसमें होता है क्या है, दो चीज़ों पर प्रॉब्लम चलता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड कन्वर्ट करना होता है और मीटर पर सेकंड से आपको स्पीड कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर। तो TSD में 3 मेन चैप्टर होते हैं आपका, एक तो नॉर्मल TSD का प्रॉब्लम टाइम स्पीड डिस्टेंस का, इसके बाद आपका एक प्रॉब्लम होता है इसमें प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, और एक प्रॉब्लम होता है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इन सारे चैप्टर में पूरा जो गेम चलेगा वो इन 3 फॉर्मूले के ऊपर, प्लस में आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जो है बेसिकली स्पीड कन्वर्जन जो है आपका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट के लिए क्या होता है, एक तो नॉर्मल सा है जैसे अगर आप किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकंड चेंज करना है तो व्हाट यू डू, सपोज करो मैं 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको ना आप डायरेक्टली इनटू 5/18 कर देते हो तो ये कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड। अब ये सब लोग ना हम बचपन से पढ़ते आते हैं स्कूल टाइम से कि अगर आप किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करते तो इनटू 5/18 करते हो, लेकिन आपने कभी शायद ये नहीं सोचा होगा कि 5/18 ड्राइव कैसे होता है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होता है कि 5/18 ऐसा क्या नंबर है या 5/18 ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये ऐसा होता क्या है। जैसे मैं बोलूँ 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है, 72 किलोमीटर पर 1 आवर, ये मतलब होता है इसका। अब आप क्या करते हो, जब आपको मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर
पर सेकंड, मतलब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और आर को सेकंड में। तो ये वाला जो है आप मीटर में कन्वर्ट करते हो और इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनटू 1000, और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इनटू 3600। और आप इसको 200 से कट करोगे तो आपका जो है नंबर निकल के आता है वो आता 5/18। ठीक है, यहाँ से ड्राइव हुआ है ना कि 72 किलोमीटर का, मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट किया आपने, 72 × 1000, और ये 1 hr × 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो इसको आप कट करोगे तो ये 5/18 बनता है। और फिर ये आ गया, आपको बार बार डेरिवेटिव निकालने की जरूरत होती नहीं है, आप हमेशा 5/18 यूज करते जाते हो। अब जब मैं बोला कि किलोमीटर पर आर, टू मीटर पर सेकंड में जब आपने कन्वर्ट किया तो आपका स्पीड इंटू 5/18 रहा है ना। अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे पर आवर में, तो व्हाट यू विल डू, स्पीड इनटू 18/5, इन्वर्स कर रहे हो ना आप यहाँ पर। तो ये आपकी दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इनटू 5/18, और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5, स्पीड इनटू 18/5। अब एक चीज और है, जैसे मैंने तीन चीजों की बात की, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अब मुझे ये बताओ, आप बोलते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस में इनवर्स प्रोपोर्शन लगता है, इनवर्स प्रोपोर्शन मैंने बताया था आपको, टाइम एंड वर्क जो है वो समहाउ जो है बिल्कुल टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसा चैप्टर होता है। वो कुछ टाइम के बाद आपको, जब कभी नेक्स्ट टाइम क्लास लूंगा मैं, TSD और टाइम एंड वर्क की एक साथ क्लास लूंगा, फिर मैं आपको रिलेशन बताऊंगा क्या रिलेशन होता है दोनों में ना। अब जब मैंने आपको बोला टाइम स्पीड डिस्टेंस तीन टर्म है हमारे पास, तो जब आप स्पीड और टाइम की बात करते हो तो स्पीड और टाइम आपके इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, बताओ आप। टाइम एंड स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल। वाई, सो अभी आपने फॉर्मूले में बताया ना, तो उसके अकॉर्डिंग यस, इनवर्स प्रोपोर्शन के, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो, अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हो और डिस्टेंस आपका अगर सेम है तो टाइम क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाता है। वैसे ही आप अगर आप स्पीड को डिक्रीज करते हो, डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है या फिर सेम है, तो टाइम आपका जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं टाइम और डिस्टेंस की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे, टाइम एंड डिस्टेंस। डायरेक्ट डायरेक्ट यस, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो, आपका डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते हो तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस आप कम करते हो तो टाइम भी कम लगेगा। तो जिस रेट से आपका डिस्टेंस कम हो रहा है उसी रेट से आपका टाइम भी कम हो जाएगा। डिस्टेंस आप हाफ कर रहे हो तो टाइम भी हाफ लगेगा, डिस्टेंस डबल कर रहे हो तो टाइम भी डबल लगेगा। तो यहाँ पर आपका डायरेक्शन लिख दिया मैंने इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ आपको स्पीड और डिस्टेंस की बात करते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का कोई रिलेशन दिखता है, स्पीड और डिस्टेंस का किसी तरह का कोई रिलेशन दिखता है, बोलो भाई। स्पीड बढ़ेगी तो
डिस्टेंस को क्या ही फर्क पड़ता है, टाइम पे फर्क पड़ेगा स्पीड बढ़ने या कम होने से, है ना। डिस्टेंस भी अगर कम और ज्यादा होता है इनका कोई रिलेशन है नहीं, स्पीड और अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ना ही इनवर्स रिलेशन है ना ही आपका डायरेक्ट है, क्योंकि वहाँ क्या हो रहा था इस वाले में इनवर्स हो रहा था, स्पीड बढ़ रही है टाइम कम हो रहा है। टाइम और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो टाइम भी कम हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड और डिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस अगर मैं कम कर दूँ तो स्पीड तो कोई जरूरी थोड़ी कि फर्क पड़ेगा, मैं 200 की जगह 100 किलोमीटर अगर मुझे ट्रेवल करना है तो स्पीड में क्या ही फर्क पड़ने वाला है, स्पीड में सेम चलूंगा तो टाइम पे फर्क पड़ेगा ना, तो स्पीड और डिस्टेंस का जो है वो नहीं होता है। तो मेन जो है आपके दो ये स्पीड और टाइम का इनवर्स और टाइम और डिस्टेंस का आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये समझ आ गया स्पीड कन्वर्ट करने वाला। Yes, sir. अब स्पीड करने कन्वर्ट करने वाला मैं आपको एक छोटा सा चीज और बताता हूँ, वो बहुत जरूरी नहीं है हालांकि, बट बहुत अच्छा चीज है, अगर आपको समझ आता है तो बहुत हेल्प करेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपने बोला 72 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर इसमें इंटू 5/18 मैंने किया, 18 × 4 = 72, 5 × 4 किया तो मैंने बोला 20 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। अब आप एक छोटी सी चीज याद रखना कि 18 किलोमीटर पर आवर पे आपकी जो मीटर पर सेकंड स्पीड होती है ना वो होती है 5 मीटर पर सेकंड, बस इतना याद रख लेना, बस बाकी कुछ नहीं करना, क्योंकि जो ज्यादातर स्पीड होती है ना, हालांकि हमेशा ये 5/18 वाला फॉर्मूला है ना ये हमेशा आपको एक्टिव आंसर देगा, बट मेरा कहना ये है कि कई बार क्या होता है एक छोटा सा नंबर है, जैसे आपको पूछा 36 किलोमीटर पर आवर, तो आपको पता है हर एक 18 पे ये 5 मीटर पर सेकंड होगा, 36 पे कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। 54 पे कितना होगा 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 72 पे कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, मतलब जैसे जैसे यहाँ 18 इंक्रीज होगा ना वैसे वैसे यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कितना इंक्रीज होगा 5, बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन था। अब यहाँ देखो आपका 20 मीटर पर सेकंड आया था ना, ये चीज यहाँ से भी आया, देखो 72 पे 20 मीटर पर सेकंड। चलो खैर ये बहुत जरूरी चीज नहीं है, तो एक छोटा सा एक वो था जो किसी को यूज में लगता है तो करना इसको यूज, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे ये मेरा घर है, ठीक है, और ये पॉइंट है मेरा ऑफिस। अब होता ही है मैं घर से ऑफिस जब जाता हूँ ना तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है, और जब वहीं जब मैं ऑफिस से वापस आता हूँ तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड रखता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब अगर आपको पूछता है कि पूरी एंटायर जर्नी में जाने और आने में और होल एंटायर जर्नी आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड के लिए गलती ये कर देते हैं, हम बोलते हैं ये 50 से वो 40 होगा, तो 50 + 40 / 2 कर देते हैं तो 45 आ जाता है, कितनी गलत होता है। एवरेज का मतलब टीएचडी में बिल्कुल भी एवरेज नहीं है, जिस एवरेज को हमने पीछे पढ़ा है चैप्टर्स में, ये एवरेज स्पीड बिल्कुल अलग है उससे, क्योंकि यहाँ पर स्पीड का और डिस्टेंस का और आपका जो सारा सीधा सीधा रिलेशन है ना वो किसके साथ है, टाइम के साथ। टाइम डिसाइड करेगा कि आप किसी भी डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करोगे, ठीक है, वो इन दोनों स्पीड का क्या रिलेशन बनाएगा वो डिसाइड करेगा टाइम आपका। तो ऐसे में आप क्या करते हो, जब आपको बोला है लाइन बनाते हो, ठीक है,
जब आपको ये बोला गया कि हम ऑफिस जाने की स्पीड आपकी 50 किलोमीटर पर और वापस आने की स्पीड आपकी 40 किलोमीटर पर आर, तो आप क्या करो, इन दोनों के ना कॉमन मल्टीपल में डिस्टेंस अज्यूम कर लो, यहाँ पर कोई भी एक डिस्टेंस, हालांकि आप ना 1 किलोमीटर भी लोगे तब भी एवरेज स्पीड आ जाएगी, 2 किलोमीटर भी ऑफिस दूर हो सकता है मेरा, 100 किलोमीटर भी ऑफिस दूर हो सकता है, तो डिस्टेंस आपका कुछ भी हो एवरेज स्पीड हमेशा आपकी सेम आएगी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपका काम आसान करने के लिए एक ऐसा डिस्टेंस अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जो टाइम है ना वो आवर्स में आ जाए टोटल। तो मैं क्या करता हूँ, 50 और 40 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 200 किलोमीटर। तो मैंने बोला 200 किलोमीटर का मैंने डिस्टेंस अज्यूम किया। अब अगर मैं 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर करता हूँ, मेरा टाइम कितना लगेगा, 4 आवर्स। बोल क्यों नहीं रहे आप लोग, ठीक है। तो अगर इसी 200 किलोमीटर को वापस आने के लिए अगर मैं 10 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कवर कर रहा हूँ तो 5 आवर्स, ठीक है। अब एवरेज स्पीड के लिए आपको करना है क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने इतना कवर किया, 200 आपको जाने में कवर हुआ, 200 वापस आने में, तो 400 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस, टाइम आपका 9 आवर्स। 400 बाय 9 करोगे आप, क्योंकि 4.44 आपकी एवरेज स्पीड बनेगी, 44.44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर सर, है? हाँ, जो सर टाइम आपने आपको लगना है। सर आपने कहा था कि हम कोई भी डिस्टेंस मतलब अज्यूम कर सकते हैं ना, मतलब 1 2 तो भी आंसर सेम आएगा। उस डिस्टेंस में पता क्या होगा, आपको टाइम निकालने में प्रॉब्लम आएगा। जैसे आप 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो, अब अगर आप यहाँ डिस्टेंस 1 किलोमीटर लेते हो तो आपको देखना पड़ेगा, अगर 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 1 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा, तो वो टाइम आपका आएगा सेकेंड्स में इवन, समझ रहे हो। ओके यस सर, हाँ, और वैसे ही आप देखोगे 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो 1 किलोमीटर कितने में चलेगा, तो वो भी सेकेंड मिनट एंड सेकेंड्स में आएगा। तो वो मिनट और सेकंड्स में जो आएगा ना, वो आपको कैलकुलेशन में बहुत डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 40 और 50 का ना कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, जिससे जो टाइम है ना आपका वो सीधा सीधा आवर्स में आ जाए और आपको आगे की कैलकुलेशन की टेंशन ही खत्म हो जाए। क्योंकि इसमें ये थोड़ी बोला है कि डिस्टेंस क्या है ना, उसने पूछा डिस्टेंस की बात ही नहीं की है उसने, उसने सिर्फ ये बोला व्हाट एवर इज द डिस्टेंस व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो डिस्टेंस चाहे 1 किलोमीटर का हो, चाहे 100 किलोमीटर का हो, चाहे 1000 किलोमीटर का हो, एवरेज स्पीड आपकी हमेशा यही रहेगी 44.44। अगर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर जाने की है और 40 किलोमीटर पर आवर वापस आने की है, ठीक है। ओके सर। हाँ, बस हम कॉमन मल्टीपल में इसलिए प्रेफर करते हैं कि टाइम आपका आवर्स में आ जाए, अदरवाइज आप कोई और डिस्टेंस अज्यूम करोगे, सपोज करो मैं 200 की जगह 250 करता, तो आपको 50 वाली स्पीड से तो मिल जाता कि 5 घंटे लग रहे हैं, लेकिन 40 वाली स्पीड से आपका जो टाइम है ना वो मिनट्स में चला जाता, आर प्लस मिनट्स में चला जाता, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता। यस सर, हाँ, ओके। तो इसलिए करते हैं ऐसा। अब आप एक चीज़ और बताओ, इसी के लगे हाथ एक चीज़ और करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 50 किलोमीटर पर आवर से मैं गया और 40 किलोमीटर पर आवर से मैं वापस आया, 200 किलोमीटर का जब मैंने डिस्टेंस लिया, कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 200 किलोमीटर जाना 200 किलोमीटर वापस आना, तो यहाँ पर टाइम मुझे लग रहा है 4 आवर्स और यहाँ टाइम मुझे लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर मैं बात करूँ स्पीड की, टू स्पीड की अगर बात करता हूँ, ऑनवर्ड जर्नी की
और रिटर्न जर्नी की। तो स्पीड का रेशो आपका क्या बनता है, यहाँ जाने वाली स्पीड 50, आने वाली 40, ठीक है। तो रेशो आपका बना 5:4। अब अगर स्पीड का रेशो आपका 5:4 बना है तो टाइम का रेशो आपका क्या बनना है, यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है आपको 4:5 ना, 4:5 टाइम का रेशो आपका हो गया 4:5। तो इससे आपको एक चीज पता चलेगी, अगर ये स्पीड का डिस्टेंस है, ये टाइम का डिस्टेंस है, तो अभी मैंने पीछे ऊपर वाले क्वेश्चन में बोला था कि स्पीड का रिलेशन टाइम के रिलेशन का क्या होता है, सीधा सीधा इनवर्स होता है। यहाँ से आपको बेस्ट एग्जांपल नहीं होता इनवर्स का, कि आपका स्पीड का रेशो अगर 5:4 है, टाइम का रेशो आपका ऑटोमेटिकली 4:5 हो गया, बट कंडीशन, एक कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना, जो टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सब लोग गलती करते हैं। इस ये कंसेप्ट आपका तभी अप्लाई होगा जब आपका डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि दिस रूल ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन विल ओनली बी अप्लाई व्हेन द डिस्टेंस इज सेम, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि टीएचडी के क्वेश्चन में जहां भी सेम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आएगा, वहां अगर आप रेशो वाले कंसेप्ट से, इस रेशो वाले कंसेप्ट से उसको सॉल्व करोगे, तो जहां वो आपका 5 मिनट में सॉल्व होने वाला है ना, वहां वो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। प्लस एक गलती हमेशा सब कर देते हैं कि उनको लगता है कि दो अलग स्पीड गिवन है, तो पलट दो इनको, यहाँ 5:4 दिया है तो इसको 4:5 कर दो। लेकिन हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस वो इक्वल चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, ठीक है। इवन अगर वो जाना, जैसे 200 किलोमीटर जाना या 200 किलोमीटर वापस आना, तो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, तो इसीलिए आपका ये इनवर्स हो गया, 5:4 था तो ये 4:5 हो गया। अगर ऐसा भी होता ना कि भी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है 50 किलोमीटर पर से कवर, ठीक है, सेकंड हाफ वाला जो 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, तब भी आप बोल सकते हो कि अगर इनका रेशो 5:4 है तो 4:5 होगा, बिकॉज दोनों जो है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हाफ हाफ ना, तब भी आप रेशो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो वहाँ पर। वो हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि जहाँ पर एक सिंगल ट्रैक पे जाने में आधा डिस्टेंस, सपोज करो ए ने कवर किया इस स्पीड से, आधा डिस्टेंस बी ने कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दो अलग स्पीड से मैंने देखा कि अगर डिस्टेंस वो हाफ हाफ कवर कर रहे हैं, तब भी आप ये रेशो वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर दोनों लोग सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे, तो आप इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट नहीं लगाओगे वहां पर, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का रोल क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर 200 किलोमीटर निकाला है, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन का रोल बताता हूँ मैं। जैसे बोलता है ये दो पॉइंट है, घर का पॉइंट है या ऑफिस का पॉइंट है, जाने का स्पीड 50 किलोमीटर पर आ रहा था हमारा, और वापस आने का स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा था। बोलता है इन टोटल जो है आपको 2 hours 15 minutes लगते हैं। अब मैं बताता हूँ, ये बोलता है एक पर्सन है जो पॉइंट पी से, या फिर एच लग लेते हैं इसको, घर से ऑफिस जाता है विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ऑफिस से वापस आता है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और उसको जाने और वापस आने में टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो उसका ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, अब डिस्टेंस तो आप ऐसे कैसे बता पाओगे, तो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमको जो है वो रेशो वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि वो जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है, मतलब डिस्टेंस तो सेम है। सबसे पहली चीज मुझे पता चली कि इसमें जो डिस्टेंस है वो सेम है। अब
आप बोलोगे स्पीड की अगर बात करते हैं तो स्पीड का जो आपका रेशो है वो कितना है, 5:4। फोर क्या हुआ, बोलिए। हेलो, नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, मैं बोला स्पीड का रेशो अगर आपका 5:4 है, क्योंकि 50 से जा रहा है 40 से वापस आ रहा है, ये ऑनवर्ड जर्नी ये रिटर्न जर्नी, स्पीड का रेशो अगर 5:4 है तो टाइम का रेशो क्या होगा, 4:5। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है उनको, 2 घंटा 15 मिनट। अब इसको ऐसा कर लोगे 15 मिनट में, मतलब मिनट्स में डिवाइड कर दो तो 2 आवर्स 15 मिनट कितना होता है, 135 मिनट्स। ठीक है, अब इस 135 मिनट को आप क्या करो, 4:5 के रेशो में डिवाइड करो। अब वो कैसे डिवाइड करते हैं, मैं बोलता हूँ टोटल 9 पार्ट्स की वैल्यू जो 135 मिनट है, इसको आप क्या करते हो, अगर 9 से डिवाइड करते हो इन दोनों का सम करके ना, कितना आएगा, 15। ये आपका हो जाता है। सो आपने और आज क्या लिखा है रेशियो के ऊपर? ये ऑनवर्ड जर्नी या रिटर्न जर्नी? अच्छा ठीक है, और फिर ये 135 मिनट से थोड़ा मिस हो गया क्या हो कि आपने यहाँ पे 2 आवर्स 15 मिनट टोटल टाइम लगा था ना, इसको मैंने जो है मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया सारे को। अच्छा, तो 135 मिनट है फिर। अच्छा ठीक है, इसको 4:5 के रेशो में मुझे डिवाइड करना है तो मुझे 1 पार्ट की वैल्यू अगर डिवाइड 9 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लायर मिला मुझे 15 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ दोनों में 15 मल्टीप्लाई करो आप, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये वाला हो गया 60 मिनट और ये हो गया 75 मिनट। ठीक है, अब ऑनवर्ड जर्नी में, ये ऑनवर्ड जर्नी का टाइम आया ना सर, सर यहाँ पे 135 मिनट्स को 9 से क्यों किया है डिवाइड? 4:5 के रेशो में कैसे डिवाइड करते हैं, रेशो वाला चैप्टर किया था? नहीं नहीं सर, रेशियो वाला नहीं किया था। ऐसे करते हैं ना, 4x + 5x = 135, x = 135/9। ओके ओके सर, तो ऐसा वैल्यू आ जाता है ना 15, ये मल्टीप्लायर होता है। ओके सर, ओके। हाँ, तो जब ये, हाँ, जो भी ये मल्टीप्लायर हमें मिला हम इसको दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो इंडिविजुअल टाइम मिल गया कि हाँ, कि उसको जाने के लिए टाइम लगा होगा 60 मिनट और वापस आने के लिए टाइम लगा होगा 75 मिनट। ठीक है, अब आप किसी, अब आपको डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्पीड इनटू टाइम। अब ऑनवर्ड जर्नी की अगर मैं बात करूँ, ऑनवर्ड जर्नी की स्पीड कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है, 1 घंटा। तो डिस्टेंस यही हो गया ना 50 किलोमीटर। अगर आप रिटर्न जर्नी की बात करते हो तो स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम आपको कितना लग रहा है, 75/60, और ये होता है 5/4। और 5/4 अगर 40 का आप निकालोगे तो ये भी 50 किलोमीटर आ रहा है, और ये हमेशा आपका सेम होना चाहिए, क्योंकि जितना डिस्टेंस वो जाने में कवर करेगा सेम डिस्टेंस ही वो आने में कवर करेगा। यहाँ कोई कंडीशन ऐसी हो ही नहीं सकती कि अगर यहाँ 50 आ रहा है तो यहाँ 40 आ जाए, और अगर ऐसा आ रहा है तो आपका आंसर जो है वो गलत हो गया, तो ये चीज़ बहुत केयरफुली करना है आपको। ठीक है, फिर से बता दो रिटर्न वाला। हाँ, जैसे ऑनवर्ड तो मुझे सीधा सीधा पता है कि 60 मिनट 1 आवर होता है, और रिटर्न वाले को मैंने 75 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से सिर्फ डिवाइड किया बस, 75/60। ठीक है, ये 5:4 हो गया, तो 5:4 जो है 40 का कितना होता है, 50 किलोमीटर। इवन आप किसी एक का भी निकाल लोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये जस्ट मैंने दोनों क्यों निकाले, वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, एक तो ये है, दूसरा आप एक काम और भी कर सकते थे,
वैसे तो ये रेशो वाला तो यूनिवर्सल है, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई होगा, बट समटाइम ये ऐसा भी होता है कि अगर ये हाउस है और ये ऑफिस है, यहाँ से आप 50 किलोमीटर पर आवर जा रहे हो, वहाँ से वापस आ रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, बोला कि आपको 2.2 आवर्स लगते हैं, ठीक है, 2.2 सॉरी 2 2 आवर्स 15 मिनट का ये होता है ना, 2.25 आवर्स। आपको निकालना डिस्टेंस, तो आपने क्या किया था इनिशियली, सबसे शुरू में आपने किया था 200 किलोमीटर कॉमन मल्टीपल में ले लिया था, ठीक है, तो 200 जब आपने एज्यूम किया तो यहाँ से आपको टाइम लग रहा था 4 आवर्स, यहाँ से आपको टाइम लग रहा था 5 आवर्स। तो अगर 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होता तो आपको आने जाने में कितना टाइम लग रहा था, 9 आवर्स, लेकिन यहाँ आपको टाइम लग रहा है सिर्फ 2.25 आवर्स, है ना। तो आप ये चेक कर सकते हो कि दिस 2.25 इज व्हाट पार्ट ऑफ 9, क्योंकि 200 के केस में अगर 9 आवर्स उसको लग रहा था, लेकिन टाइम लगना चाहिए 2.25 आवर्स, तो आप देखोगे 2.25 इज व्हाट पार्ट ऑफ 9, तो ये हो जाएगा 225/900 या 9 आ जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 25 या 75 9/36 1/4 आ गया। तो अगर टाइम इसको 1/4 लग रहा है, इस 9 आवर्स का अगर टाइम 1/4 लग रहा है, तो डिस्टेंस भी तो 1/4 होगा ना। मैंने क्या बताया था, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ अगर 1/4 है तो डिस्टेंस आपका 1/4 हो जाएगा 50 किलोमीटर का। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने कॉमन मल्टीपल से आप देखो कि जो भी डिस्टेंस आपको बन रहा है उससे टोटल टाइम आपने देखा 9 आवर्स आ रहा है, ठीक है ना, और फिर आप देख लेंगे जितना भी टाइम आपको लग रहा है वो 9 आवर्स का कितना पार्ट है। आपने देखा 1/4, इन दोनों का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होता है, तो इधर भी 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो डिस्टेंस 50 आ जाएगा। अब देखो इसको एक लग उससे करके देखते हैं ना, दिख रहा है स्क्रीन आपको? हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले हम करते हैं इन दोनों का कॉमन क्या होता है 1 किलोमीटर। हाँ हमने क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व नहीं किया है, क्वेश्चन बना लूं मैं पूरा। मतलब टोटल टाइम लगता है 12.5 आवर्स आने और जाने में, तो आपको डिस्टेंस बताना है। तो मैंने डिस्टेंस अज्यूम किया 180 किलोमीटर का। अब 180 किलोमीटर का डिस्टेंस अज्यूम करने पे मैंने देखा कि इसको कितना टाइम लगेगा इधर से 3 आवर्स, और यहाँ से इसको टाइम लगेगा 2 आवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस 180 किलोमीटर का है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स, ठीक है। हेलो, यस सर। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ मुझे ना बता दिया करो, पीडीएफ में ना मुझे ये नहीं पता चलता। मैंने क्या किया, मैंने बोला मैं देख रहा हूँ कि 12.5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5 आवर्स,
पहले मैं ये कर रहा था ना, उस टाइम 2.25 आवर्स लग रहे थे, तो मैंने 9 पे चेक किया था, क्योंकि ओरिजिनल जो है यहाँ पर 9 लग रहा है। तो यहाँ भी अगर 12.5 है तो मैं देखूंगा ना, 12.5 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5, तो ये आ गया 5/2। तो अगर यहाँ 5/2 है तो डिस्टेंस में भी 5/2 होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और 5/2 का मतलब क्या होता है, 90 × 5 इज इक्वल टू 450 किलोमीटर। क्लियर नहीं, है? हेलो, लास्ट पार्ट फिर से आवाज बता दो नहीं आ सर। रही क्या मेरी? हाँ, आवाज मेरी हाँ सर, आ रही है। डिस्टर्ब कर रहे हैं जूम वाले ना, बार बार कनेक्शन कट जा रहा है ना। चलो खैर, मैंने डिस्टेंस तो चेक किया आपकी थी, तो यहाँ स्क्रीन से नहीं 2 आवर्स दिख लग रहा है। ठीक है, तो सर, आवर्स स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, हाँ स्क्रीन ठीक नहीं दिख है, रही, हाँ किसी दिन जगह नहीं दिख रही आप दिख स्क्रीन, रही है, आप दिख किसी रही जगह है नहीं दिख रही। सब, ठीक सब दिख रही है आप है ठीक है, ओके। अब क्या आवाज नहीं आ रही अब? आ रही सर, आ रही है तो आ रही है सर। चलो, मतलब फिर से 90। बता दो। हाँ मैं बोल रहा, जैसे मैंने डिस्टेंस 180 किलोमीटर लिया, 60 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर से मैंने देखा, यहाँ इसको 3 आवर्स लगेगा, यहाँ इसको 2 आवर्स लगेगा। ठीक है, और टोटल टाइम ये बता रहा है कि 12.5 आवर्स लग रहा है, लेकिन 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तो 5 ही घंटा लग रहा है ना। तो मैं देखूंगा दिस 12.5 आवर्स इज व्हाट पार्ट ऑफ 5 आवर्स। ठीक है, ये आ गया 5/2। तो अगर यहाँ 5/2 बन रहा है तो इधर भी तो 5/2 ही होगा ना, इस डिस्टेंस में भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ये? यस सर, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 180 × 5/2 आप कर दोगे तो दिस वुड बी 450 किलोमीटर। एक तरह से तो ये आ गया डिस्टेंस। दूसरा, आप रेशियो लगाओगे, ये ऑनवर्ड जर्नी और ये आपका रिटर्न जर्नी, इनका रेशियो आपका ये 60 किलोमीटर पर आवर है, ये वाला आपका 90 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ पर आपका स्पीड जो बन रहा है वो रेशियो इनका 2:3, तो टाइम का रेशो आपका हो जाएगा 3:2। अब अगर ये 3:2 हो गया, तो फिर मैंने बोला कि टोटल टाइम इनको लग रहा है 12.5 आवर्स, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो वही होता है ना, 5x इज इक्वल टू 12.5, x इज इक्वल टू 12.5/5, नहीं। मल्टीप्लायर आ जाएगा 2.5 आवर्स। अब यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला 7.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 आवर्स। ठीक है, ये दोनों के इंडिविजुअल टाइम आ गए। अब आप देखो 90 की स्पीड से, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करते हैं ना, स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पर स्पीड 60 है, टाइम 7.5 है, तो 60 × 7.5, और यहाँ पर स्पीड है आपकी 90 है, तो टाइम है 5 आवर्स। ये 450 किलोमीटर बन रहा है ना, और ये भी 450 किलोमीटर ही बनेगा, और ये हमेशा आपको सेम आएगा। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, आप वन साइड का ही बताओगे ना, या तो जाने का या आने का, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 450 किलोमीटर। ठीक है, यस सर, एक मिनट जरा होल्ड करो, एक क्वेश्चन मैं अभी बताता हूँ आपको ना। ऐसे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो ना। जैसे दो फ्रेंड है आपस में ना, वो क्या करते हैं, एक ड्राइव पे निकलते हैं किसी ड्राइव,
करते क्या है, फर्स्ट हाफ जो है वो एक फ्रेंड ड्राइव करता है और सेकंड हाफ वाला जो है वो सेकंड फ्रेंड ड्राइव करता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो है लैंग्वेज वाइज आपको वर्ड प्रॉब्लम में जब आएंगे तब बताऊंगा, अभी तुम्हें सिर्फ समझाने के तौर पे बता रहा हूँ कि दो फ्रेंड है ए एंड बी, फर्स्ट हाफ में ए ड्राइव करता है गाड़ी और सेकेंड हाफ में बी वाला ड्राइव करता है। तो जो फर्स्ट वाला ड्राइव कर रहा है वो चलता है आपका 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है, सेकंड वाला जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता है। ठीक है, और बोलते हैं इनको पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए लगता है 10 आवर्स। तो पूछते हैं कि डिस्टेंस क्या होगा इसका, जर्नी का डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहली बात है, जब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये इन दोनों का डिस्टेंस से सेम हो गया ना। डिस्टेंस सेम है तो रेशो वाला कंसेप्ट हम लगा सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ एज टू बी की स्पीड की अगर बात करें तो ये 21 वाला 24, रेशो की अगर बात करेंगे तो 7:8, टाइम का रेशो सॉरी 8:7। ठीक है, अब ये 8:7 आ गया, टोटल टाइम आपको लग रहा है 10 आवर्स। तो आप इस 10 आवर्स को क्या करते हो, 8:7 में डिवाइड करते हो। आप बोलते हो 15x = 10 आवर्स, x = 10/15, तो एक्स का वैल्यू आपको मिलता है 2/3। ठीक है, अब आप इसमें दोनों में 2/3 मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका टाइम आ जाता है 16/3 और इसका टाइम आ जाता है 14/3। अब इसकी स्पीड कितनी, 21, तो यहाँ पर आप इसको 21 से मल्टीप्लाई करो। इसकी स्पीड 24 है तो यहाँ पर आप इसको 24 से मल्टीप्लाई करो। 7 × 16 112 किलोमीटर, और ये आपका 14 × 8 112 किलोमीटर। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, हेलो हाँ सर, हाँ डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस 224। यस, तो से लोग इसको 112 किलोमीटर कर देते हैं। तो डिस्टेंस अगर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की बात कर रहा है तो दोनों 112 किलोमीटर है, तो पूरा डिस्टेंस जो होगा 224 किलोमीटर का होगा। सर हाँ सर मुझे ना कंफ्यूजन हो रहा है, इससे ऊपर वाली थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करो। बोलिए। सर जैसे आपने ना यहाँ पे ये स्पीड इनटू टाइम कर दिया 60 × 7.5, और इससे पहले जो था वहाँ पे आपने 60 से डिवाइड किया था, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, मतलब इसमें कुछ और उसमें कुछ और। नहीं, वहां मैंने मिनट में कन्वर्ट किया था पहले। अच्छा, अगर ये मिनट में करते नहीं, तो इसमें भी वैसे ही करते। पहले मिनट में कन्वर्ट किया आवाज नहीं आ रही सर। था। देखो स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर की है ना, तो मैंने अगर इसको मिनट में कन्वर्ट, हेलो आवाज आ रही है, हाँ सर, थोड़ा धीरे धीरे आ रही है। अब आ रही है, हेलो। हाँ अभी ठीक है। हाँ सर। चलो मैं ये बोला कि मैंने इसको पहले आर से, मैंने इसको पहले आर से ना मिनट में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, ये मिनट में कन्वर्ट कर दिया, स्पीड तो आपकी पर आर में गिवन है ना, तो आपको उस मिनट को वापस आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ये जो मैंने 15 × 1 किया ना, यहाँ पर इसको 60 से ही डिवाइड करके किया है ना, तभी तो 1 आएगा। तो हाँ मिनट को आप, मिनट को आपको ना वापस आर में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि स्पीड जो है आपकी वो किलोमीटर पर आर की है। हाँ, अच्छा ठीक है इसीलिए मैंने 75/60 किया ताकि आर में कन्वर्ट हो जाए, तो 5/4 आर हो गया। अच्छा ठीक बट है सर। नीचे वाले क्वेश्चन में, हाँ नीचे वाले क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है आपके 7.5/5 आ रहा है, इसको मैंने आर में ही चलाया, यहाँ मिनट में कन्वर्ट किया ही नहीं है। ठीक अच्छा, है, तो इसमें आपने डायरेक्टली वो हाँ मल्टीप्लाई ये करके। डायरेक्टली आर से होगा। अब जैसे ये था 10 आवर्स था,
इसको भी मैंने डायरेक्टली आर्स से कर दिया, तो यहाँ मुझे मिनट में कन्वर्ट नहीं किया तो आर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आर्स में ही चल रहा है ना। ठीक है। ठीक है, बाकी लोगों को समझ आ रहा है? यस चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट बताया, तो अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कि जैसे अगर आपको जब भी दो स्पीड की बात आ रही है, जैसे एज टू बी की स्पीड की बात आती है, जैसे 4:5 है, 5:4 हो गया है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको एबीसी बोला है ना और ये 4:5:6 बोल दिया अगर इसने, तो इसको 6:5:4 मत कर देना, पर गलत हो जाएगा। तो इन्वर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये उल्टे हो जाते हैं, सर यही तो टाइम इन्वर्स ऑफ का क्लॉक में मतलब भी एग्जैक्टली होता तभी मैंने स्टार्टिंग, हाँ तभी मैंने एग्जैक्टली बोला कि टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस समहाउ सेम चैप्टर, और ये मैं आपको एक बार क्लास लूंगा टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक साथ मिलके, उस दिन आपको पता चलेगा कि टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। बस फर्क इतना होता है कि टीएचडी की जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स होती है ना वो टाइम एंड वर्क से थोड़ी सी ज्यादा होती है। टाइम एंड वर्क में हमेशा सेम वर्क करने के लिए बोलता है वो, है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में काम अलग होता ही नहीं है, वहां पर ना रेशो का कंसेप्ट बड़ा इजीली लग जाता है। लेकिन टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता क्या है, आपको बड़े सारे क्वेश्चंस में जो है पजल ऐसा बनाएगा कि डिस्टेंस भी अलग होगा, वहां पर ये डिसाइड करना आपको मुश्किल हो जाता है कि आप जो है वो रेशो कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे। प्लस इसमें प्रॉब्लम थोड़ी दो-तीन स्ट्रीम की आ जाती है, प्रॉब्लम उन ट्रेंस का आ जाता है, पर जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ये चीज हमने टाइम एंड वर्क में किया था ना, तो हाँ यहाँ पर इनवर्स का मतलब होता है कि मैं अगर ये दो फोर इस टू ठीक फाइव इस टू सिक्स है तो ये 1/4, 1/5 एंड ये वन बाई है। सिक्स होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इनका बनेगा 60। 60 बनाने का मतलब है इन सबका बेस सेम करना, जब सबका बेस सेम हो जाता है तो फिर न्यूमरेटर मैटर करता है, तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा, फिर इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब बेस सबका सेम है तो रेशो आपका 15:12:10 हो हो गया। जाता है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ थोड़ी सी सिमिलरिटी, एक चीज बताता हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क में होता क्या है। जैसे टीएचडी टाइम एंड वर्क, टीएचडी में होता है आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क में उसी स्पीड को हम बोलते हैं एफिशिएंसी, किस रफ्तार से आप काम करते हो, टाइम सेम ही रहता है। डिस्टेंस को हम बोलते हैं आप काम कितना करते हो, है ना। आप स्पीड के टाइप टीएचडी के केस में बोलते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पर आप एफिशिएंसी के केस में बोलते हो वर्क अपॉन में टाइम, एक ही चीज है ना, हमने डिस्टेंस को वर्क ले लिया है यहाँ पर, ये सब सेम है आपस में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस के केस में टाइम निकालते हो तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यहाँ टाइम निकालने के लिए वर्क अपॉन में स्पीड एफिशिएंसी, और वर्क निकालने के लिए आप यहाँ करते हो टी इनटू एस, यहाँ भी इसमें करते हो टी इनटू ई, बिल्कुल सिमिलर देखो है। टाइम एंड वर्क, जैसे सपोज करो मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मुझे ना एक सोसाइटी में ना एक राउंड लगाने, 10 किलोमीटर तक मेरे को चल के आना है, ये मेरी ड्यूटी है, घूमना है मेरे को पूरे में, 10 किलोमीटर तो ज़्यादा हो गया, तो मैं गार्ड कुछ ही दिन के लिए रह जाऊंगा बस, उसके बाद खुदा को प्यारा। पर सपोज करो 2 किलोमीटर का एक कोई सोसाइटी है और मुझे उसमें राउंड लगाना है, तो मेरे लिए वो डिस्टेंस है बट वो मेरी ड्यूटी है उसमें राउंड लगाना, तो मेरे लिए वर्क भी तो वही है ना। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है आपका एस की जगह जो है वो ई हो जाता है, एफिशिएंसी आपकी स्पीड, डिस्टेंस की जगह जो है वो वर्क हो जाता है, बाकी सारा चीज जो है आपका सेम चलता है। और इसी वजह से जो रिलेशन की बात कर रहा था मैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है, जो टीएचडी में टाइम एंड वर्क में चला था वही आपका पीएचडी में चलेगा, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर।
नेक्स्ट सुनते हैं। अब जैसे मैंने बोला यही चीज, जैसे मैं टाइम एंड वर्क के उसमें एक चैप्टर में क्वेश्चन कर रहा था आपको, क्वेश्चन में बन गया PhD में। मैं क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में मैं क्वेश्चन बताता था, वर्किंग एट 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड कर रहा था ना मैं ये वाला क्वेश्चन, वर्किंग एट 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड, ए मैन टेक्स 5 hours एक्स्ट्रा, ठीक है। अब उसमें पूछता था यूजुअल टाइम बताना है आपको कितना होगा, ये वर्क का हो गया, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन अगर मैं वर्किंग की जगह रनिंग लगा दूं ना, रनिंग एट 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड एंड टेक्स 5 hours एक्स्ट्रा, इसका यूजुअल टाइम बताना है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब इसमें होता क्या है, 4/5 का मतलब क्या होता है कि पहले अगर 5 रही होगी तो अभी 4 है, ये मतलब होता है ना 4/5 का। अगर आपकी यूजुअल स्पीड जो है वो, यूजुअल स्पीड अगर 5 रही होगी करंट स्पीड जो है वो आपकी 4 है, रेशो 5:4 हो गया, टाइम का रेशो 4:5। तो अभी ये इतना टाइम ले रहा है, पहले इतना टाइम ले रहा था, तो कितना एक्स्ट्रा ले रहा है 1, और इसी 1 का वैल्यू हो जाता है 5 hours, और 5 hours का मतलब क्या हुआ, अगर 1 का वैल्यू 5 hours है तो यही मल्टीप्लायर होता है हमारा। अब इसको आप दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 5, इसका टाइम होगा 20 hours और इसका टाइम होगा 25 hours, इन दोनों का डिफरेंस बनना है ना 5 hours। तो आपको यूजुअल टाइम पूछा है तो ये वाला हो जाएगा 20 hours वाला, ठीक है। तो बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको इन चैप्टर्स में दिखेंगी, और टाइम के साथ जब ये वाला चैप्टर क्लियर होता है ना टाइम एंड वर्क का, तो पीएचडी का भी साथ साथ में क्लियर होने लगता है आपका। एक मिनट ज़्यादा वेट, yeah.
ये समझ आया सबको? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और देखो, जैसे ये भी सर, जैसे इस क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है या कांस्टेंट है ये तो नहीं दिया है कहीं? नहीं, ऐसा होता है वर्क, जैसे बोलता रनिंग एट 4/5 ऑफ ओरिजिनल स्पीड एंड देन टेक्स 5 आवर्स एक्स्ट्रा टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। ओके व्हाट इज द यूजुअल टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस? तो सेम ही हो गया ना? हां ठीक है ठीक है। हां चलो उसके बाद एक क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बोलता है ए ट्रेन मूव्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर reaches its destination on time। बोलता है कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर चलता है तो ऑन टाइम पहुंचती है ट्रेन, ठीक है। बोलता है when its average speed become 35 किलोमीटर पर आवर, जब यही स्पीड आपकी 35 किलोमीटर पर आवर हो जाती है then it reaches its destination 15 minutes late। ये ऑन टाइम था हमारा, तो यहाँ 15 मिनट्स लेट हो जाता है। जिसके भी बैक साइड में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है ना, म्यूट कर दिया करो बीच में ना। हाँ मैंने बोला कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब ट्रेन चल रही है तो ऑन टाइम पहुंच रही है, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो 15 मिनट लेट चल रही है, ठीक है, लेट पहुंच रही है। तो उसने पूछा लेंथ ऑफ जर्नी बताना, बेसिकली डिस्टेंस बताना आपको ना। इसमें आपके पास कॉमन चीज क्या है, डिस्टेंस सेम होगा पहली बात को। दूसरी बात ये है कि ये अर्लियर स्पीड इसकी है 40 किलोमीटर पर आवर और करंट स्पीड इसकी है 35 किलोमीटर पर आवर, तो इनका स्पीड का जो रेशियो आपका बन रहा है वो बन रहा है कितना, 8:7। स्पीड का रेशो हमारा बन गया 8:7, टाइम का रेशो क्या बनेगा 7:8। अब जब टाइम का रेशो 7:8 बन गया, अब बोलता है कि 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, 15 मिनट लेट का मतलब 15 मिनट ज्यादा ले रहा है, और 15 मिनट ज्यादा इसे आप यहाँ दिख रहे हो, पहले अगर 7 के टर्म में टाइम दे रहा था अभी 8 ले रहा है तो 1 एक्स्ट्रा ले रहा है, इसी 1 का वैल्यू कितना है 15 मिनट्स। तो अगर 1 का वैल्यू 15 है तो यही मल्टीप्लायर हो गया ना, तो आप दोनों में 15 मल्टीप्लाई कर देते हो, दोनों का इंडिविजुअल टाइम निकल के आएगा। एक का टाइम निकलेगा इस वाले का 105 मिनट, इसको बाय 60 कर दो तो आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका 120 मिनट, इसको भी 60 से डिवाइड कर दो तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइम आएगा इसका 2 आवर्स, इसका 7/4 आवर्स। दोनों की स्पीड कितनी है 40, ये हम मल्टीप्लाई बाय 40 करो, इसकी स्पीड 35 है, मल्टीप्लाई बाय 30 करो, 35, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 70 किलोमीटर, दोनों केस में 70 आएगा सर। देख सकते हो सर, ये 15 मिनट्स का क्या किया वो समझ में नहीं आया। जैसे अगर स्पीड का रेशो इसका 8:7 है तो टाइम का रेशो हो गया 7:8, ठीक है, 1 एक्स्ट्रा ले रहा है ना। और क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स्ट्रा ले रहा है 15 मिनट, तो इस 1 की वैल्यू 15 मिनट होगी ना, ये 1 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। 1 का वैल्यू अगर 15 मिनट है तो जो भी मुझे 1 पार्ट का वैल्यू मिलता है वही मेरा मल्टीप्लायर होता है, x का वैल्यू तो 1 का वैल्यू ही होता है ना, तो मैंने दोनों में उनको 15 मल्टीप्लाई कर दिया तो इनका मेरा इंडिविजुअल टाइम आ गया 105 मिनट और 120 मिनट। मैंने दोनों को 60 से डिवाइड कर दिया टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, अब स्पीड इनटू टाइम करके डिस्टेंस आ जाता है, दोनों के इंडिविजुअल स्पीड और दोनों के इंडिविजुअल टाइम किए तो डिस्टेंस आ गया आपका 70 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा 70 किलोमीटर का। ये कहीं ना कहीं रेशियो से सॉल्व हो रहा है आपका,
वैसे ही आपका जो है, एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं ऐसे ही, जैसे बोलता है ये थोड़ा सा क्वेश्चन लॉजिकल भी है, बोलता है रोबोट इज ट्रेवलिंग ऑन इज साइकिल एंड हैज कैलकुलेटेड टू रीच पॉइंट ए एट 2 PM। सपोज करो यहाँ से रोबोट ने चलना शुरू किया, ये पॉइंट ए है, यहाँ 2 PM पे पहुंचता है। अब बोलता है इफ ही ट्रेवल्स एट 10 km/h, मतलब अगर 10 km/h चलता है तो वो पहुंचता है 2 PM पे। 2 PM नीचे लिख दिया, यहाँ लिखना था मैं 2 PM, ठीक है। अब बोलता है he will reach there at 12 noon if he travels at 15 km/h. अगर 15 km/h चलता है तो ये 12 noon पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब बोलता है at what speed must he travel to reach A at 1 PM, अगर उसे 1 PM पहुंचना है तो उसे किस स्पीड से चलना पड़ेगा। अब हमें लगता है कि 10 की स्पीड से चल रहा है तो 2 बजे पहुंच रहा है, 15 की स्पीड से चल रहा है तो 12 बजे पहुंच रहा है, और इनके बिल्कुल सेंटर में होगा 1 PM, है ना। तो गलती yes, हम क्या कर देते हैं, गलती हम क्या कर देते हैं, 10 + 15 / 2 = 12.5, बेसिकली इनके सेंटर में बता देते हैं। लेकिन हमें बार बार ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि स्पीड का और टाइम का जो रिलेशन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपके कभी भी गलती से ये मत करना कि इनके सेंटर में कभी भी वो मत बताना टाइम। अगर मैं बोल दूं कि अगर 2 PM पे 10 km/h से पहुंच रहा है, 12 PM पे अगर वो पहुंच रहा है, इनके बीच में पहुंचने के लिए उसे 12.5 km/h चलना होगा, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। अब बताओ आप क्या ही अप्रोच लगा सकते हो इसमें। देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ना, कि वो 10 km/h से चलता है तो 2 PM पे पहुंचता है, 15 km/h से चलता है तो 12 PM पे पहुंचता है, और उसने पूछता है कि उसे किस स्पीड से चलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, बट एक मैंने बताया रेशो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, रेशो वाला कंसेप्ट जो हर तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएगा। आप मुझे ये बताओ 10 km/h और 15 km/h का रेशो क्या है? 2:3। ये मेरा स्पीड का रेशो हो गया, टाइम का रेशो क्या होगा? 3:2। अब मुझे ये बताओ 3:2 है तो ये टाइम जो है कितना एक्स्ट्रा ले रहा है यहाँ पर? 1 का डिफरेंस है ना, और यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है एक्चुअल में? 2 hours का, 2 hours का डिफरेंस हो गया। और अगर 1 का वैल्यू 2 hours है तो यही मल्टीप्लायर होता है, तो ये हम करते ही आ रहे हैं बार बार, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, तो इसका मतलब होगा इस वाले को लगता है 6 घंटा और इसको लगता है 4 hours। अब आप ये देखो, अगर ये 6 घंटा चल रहा है 10 की स्पीड से तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? 60 किलोमीटर का, क्योंकि 6 × 10 करोगे तो 60 किलोमीटर, और इसको भी 15 × 4 करोगे तो 60 किलोमीटर का तो डिस्टेंस हो गया। ये तो मेरा डिस्टेंस आ गया, मुझे एवरेज स्पीड बतानी है तो टाइम देखना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर ये इस स्पीड से चलता है तो इसको 6 घंटा लगता है, जब ये 2 बजे पहुंचता है ना, और जब ये 12 बजे पहुंचता है तो इसको लगता है 4 घंटा। तो अगर इसको 1 बजे पहुंचना है तो कितना टाइम लगना चाहिए? 5 लगना चाहिए ना, 5 hours लगने चाहिए ना, 2/5 नहीं। देखो मैं इसे और रियल बनाता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन को, जैसे ये 15 km/h वाला 4 घंटा ट्रेवल करने के बाद 12 बजे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ट्रेवल करना कब शुरू किया होगा? ये 8 बजे। ये क्लियर है कि अगर मैं बोलूं कि मैं 4 घंटे ड्राइव करने के बाद
अगर मैं किसी पॉइंट पे 12 बजे पहुंच जाता हूँ, इसका मतलब यही होगा ना कि मैं सुबह 8 बजे चलाऊंगा, ठीक है। वैसे दूसरा वाला साइड बोल रहा है कि अगर 6 घंटे ट्रेवल करने के बाद अगर मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, तो इसका मतलब भी यही है कि सुबह 8 AM पे चलाऊंगा मैं, स्टार्ट किया होगा मैंने। अब उसमें मेरा स्टार्टिंग टाइम आ गया 8 AM वाला। अब अगर मुझे 8 AM से चल के अगर 1 AM पे पहुंच 1 PM पे पहुंचना है, मुझे कितना टाइम लगेगा 8 AM से चल के अगर 1 PM पे पहुंचना है मुझे, तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटा। 5 hours। डिस्टेंस कितना है? 60। टाइम कितना है? 5 hours। तो आपको जो है वो 12 km/h से ट्रेवल करना पड़ेगा टू रीच पॉइंट ए राइट एट 1 o'clock। इसीलिए वो 12.5 वाला आंसर हमारा ऊपर गलत आया था। देखो एक्चुअल आंसर जो आपका होता है वो 12 होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका बड़े सारे बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में, टिस वाले टाइप के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए पूछते हैं, ये देखने में ना बहुत आसान लगता है क्वेश्चन, क्योंकि उसने 10 और 15 बोला है, टाइम बोला 12 और 2 के बीच में, तो बंदा सोचेगा कि अगर 1 बजे पहुंचना है तो स्पीड इनके सेंटर में करनी पड़ेगी उसको 12.5, और वहीं वो मार खा जाता है। अब बोलो कोई कुछ बोलना चाह रहा था, बोलिए कुछ बोल रहा था सर। ये लास्ट वाला पार्ट एक बार समझा दो, 68.5 वाला। अच्छा, मतलब जैसे 6 hours और 4 hours पता चल गया ना कि ये जो मैंने 3 × 2 किया था। यस सर, यस सर। 6 hours और 4 hours पता चल गया। अब ये है, अगर मैं 6 घंटे ड्राइव करने के बाद अगर 2 बजे किसी स्पॉट पे पहुंच जाता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 8 o'clock। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अगर मैं 4 घंटे ड्राइव करने के बाद 12 बजे किसी स्पॉट पर पहुंच जाता हूं, तो मेरा स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? 8 o'clock। ठीक है, इसका मतलब ये है स्टार्टिंग टाइम सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट रीचिंग टाइम अलग है क्योंकि स्पीड दोनों की अलग है। ठीक है, अब जब मेरा स्टार्टिंग टाइम 8 o'clock आ गया और उसने बोला कि 1 PM पे पहुंचना है, इसका मतलब है सुबह 8 बजे से लेके आफ्टरनून के अगर 1 PM की मैं बात करूं, तो टोटल टाइम कितना होता है डिफरेंस इसमें? 5 hours का। yes. ठीक है? yes, sir. ये डिफरेंस हो गया 5 hours का। डिस्टेंस कितना निकल के आया था? यहाँ पर स्पीड इनटू टाइम किया था, यहाँ भी स्पीड इनटू टाइम किया था, तो डिस्टेंस मेरा निकल के आया 60 किलोमीटर का। तो मैंने क्या किया, 60 किलोमीटर को डिवाइडेड बाई 5 hours किया, क्योंकि मुझे 1 बजे पहुंचने के लिए 5 घंटा लगेगा, तो बेसिकली तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे 5 घंटे में कवर करना है ना, तो मेरी एवरेज स्पीड रहेगी 12 km/h। ओके सर, ओके। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और इसी टाइप का, फिर कल करेंगे हम रिलेटिव स्पीड वगैरह वाले कंसेप्ट, आज हम इसी पे बात करते हैं रेशो वाले। सर, शीट में क्वेश्चन था वो बता दो, मेरे पास लिखा हुआ है टीएसडी का, वो टीएसडी की शीट में जब पहले क्लास हुई थी ना इसकी, तो मैंने अटेंड की थी, तो एक क्वेश्चन है जो नहीं बनाया अभी तक। सुनो, उसका ना हम एक डाउट क्लास रख लेंगे प्रॉपर। अभी क्या है ना, जैसे सब बाकी लोगों ने जिन्होंने नहीं किया है ना, तो अभी उनको शीट के थ्रू जाने दो, और अगर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो तुम मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज हम ना एक अलग से क्लास रख लेंगे उसका। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे कुछ बिल्कुल नए स्टूडेंट होते हैं ना, उनका थोड़ा सा वो हट जाता है उस चीज से ना, कि एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वैसे ही डर जाते हैं। तो एक ना पैटर्न से चलना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे बोलता है इफ ए ट्रेन रन एट 40 km/h, बोलता अगर एक ट्रेन है 40 km/h से ट्रेवल करती है, तो बोलता इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन लेट बाय 11 मिनट्स। ये क्या करता है, 11 मिनट लेट हो जाता है, तो मैंने लिख दिया इसको -11। बट इफ इट रन एट 50 km/h, इट इज लेट बाय 5 मिनट्स ओनली।
अगर ये 50 किलोमीटर पर आर से चलती है तो ये लेट बाय 5 मिनट्स ओनली हो जाती है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस बोलूं तो 6 मिनट होगा ना, बेसिकली 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना। पहले 11 मिनट लेट हो रही थी पर स्पीड चेंज करने से ही 5 मिनट लेट हो रही थी, तो मतलब 6 मिनट का डिफरेंस आ रहा है ना। बोलता था करेक्ट टाइम फॉर द ट्रेन टू कंप्लीट इट्स जर्नी, अब यहाँ पर करेक्ट टाइम पूछा है उसने, तो आप सीधा सीधा वही करोगे, पहले स्पीड का रेशो 4:5, टाइम का रेशो 5:4, इन दोनों में डिफरेंस 1 का, उस 1 की वैल्यू 6 मिनट, ठीक है। 1 का वैल्यू 6 मिनट है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, दोनों में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 30 मिनट आ जाएगा, 24 तो इसका 24 मिनट आ जाएगा। अब क्या बोलेंगे आप इसमें, और भी है क्वेश्चन में कुछ झोल जो हमें देखना पड़ेगा। कि 30 मिनट में अगर ये पहुंचता है, सुन रहे हो, अगर ये 30 मिनट में सॉरी 30 मिनट में अगर पहुंचता है तो 11 मिनट लेट है, तो इसका मतलब 11 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहा है ना, मतलब इसका यूजुअल टाइम प्लस 11 मिनट लगा रहा है इज इक्वल टू 30 मिनट। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 11 इज इक्वल टू 19 मिनट, ये इसका यूजुअल टाइम हो जाएगा। सेकंड वाले के हिसाब से अगर आप करोगे तो सेकंड वाले में 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहा है, तो बोलोगे x plus 5 is equal to 24 मिनट, तो x would be equal to 24 minus 5 is equal to 19 मिनट्स। ये भी ध्यान रखना है हमको, ऐसा नहीं है कि जो भी टाइम निकल के आ गया अपना उसी को हमने यूजुअल टाइम बता दिया, क्योंकि दोनों में लेट है। अगर बोलता ना एक में टाइम पे पहुंच रहा है और एक में लेट हो रहा है, तो जो टाइम पे पहुंच रहा है तो वो यूजुअल टाइम है, लेकिन इसमें क्या है दोनों टाइम में लेट है, तो आपको दोनों में